कैसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा। राजेश जी और दिनेश जी को सर्वप्रथम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो एक व्यक्ति एक पौधा मिशन के तहत जो ये वृक्षारोपण का जो निर्णय लिया है जन्मदिवस के अवसर पर, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है। और जो देश की धरोहर प्रकृति है और वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा करना ही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। इस पर्यावरण को बचाए रखना सबसे बड़ी देशभक्ति है। और इसके अंदर जो आपने जन्मदिवस पर इस प्रकार का ये जो निर्णय लिया है और एक व्यक्ति एक पौधा मिशन के तहत, मैं ओम प्रकाश जी का भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि वो इस प्रकार से जो सभी को प्रेरित कर रहे हैं और इस प्रकार से सभी प्रेरित होकर जो जन्मदिवस पर इस प्रकार के वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो ये प्रकृति का बहुत ही अच्छा कार्य है और वृक्षारोपण सबसे उत्तम कार्य है। और इसके लिए मैं दोनों को ही जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको तेरे और सभी पर एक एक वृक्षारोपण जरूर हार संभाल करें। दोनों को जन्मदिन की शुभकामना है, उन्होंने आज वृक्षारोपण किया है। सभी देशवासियों को ऐसे कहूंगा कि सब जन्मदिन के एक एक पौधा मिशन जरूर लगाए। जय हिंद, जय भारत। जीवन है और जीवन ही पेड़ है। पेड़ों का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। पेड़ पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में बड़ा ही योगदान है उनका। और इसी पहल पर एक व्यक्ति एक पौधा मिशन टीम द्वारा भाई ओम प्रकाश जी कुमावत के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसमें आधुनिक जीवन में लोगों के शादी की सालगिरह पर, जन्मदिवस पर जो एक केक प्रणाली अपनाई जाती है, उस केक प्रणाली का प्रतिस्थापन कर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही एक अनूठी पहल है। और इसी दो शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, वो अपने मिशन में कामयाब हो और इसी तरह से अपने जीवन में प्रगति करें और एक व्यक्ति एक पौधा मिशन का जो लक्ष्य है वो सफल हो। पौधा मिशन में आज मेरा जन्मदिन है, इसके तहत मैंने पौधे का रोपण किया है। और मैं चाहता हूं कि सभी से कहता हूं कि सभी के जिंदगी के अंदर जो पल आता है वो अपने पल का यूटिलाइज करें। पेड़ लगाए, पौधे लगाए, सब जानते हैं कि हमारे जीवन के अंदर पेड़ों का बहुत अत्यधिक महत्व है, इसलिए हम सबको पेड़ लगाने चाहिए।